सो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए पहले समझिए, लिखना बंद कीजिए, पहले समझेंगे इसको। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि हमने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम भी पढ़ा, है ना, साथ ही साथ अभी हमने जस्ट मोबिलिटी ऑफ चार्ज करियर भी पढ़ा। अब ये जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट किस तरीके से होता है? किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है, ये हमें समझना है। क्लियर? इसके लिए बात समझिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था जब मैंने ओम्स लॉ को प्रूव किया था, जब हमने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पढ़ा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा और रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा, तो वहाँ पर देखिए मैंने ओम्स लॉ को जो फाइंड किया था वहाँ पर आर की वैल्यू यही आया था। देखिए कॉपी पर पलट के ये आया था ना, जैसे हमने कहा था भाई ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्स्टेंट है एक मटेरियल के लिए, तो यहाँ क्या होगा कि ओम्स लॉ को प्रूव कर रहा। अब यहाँ पर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। क्या है रिलैक्सेशन टाइम? क्या होता है? दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम गैप है वो रिलैक्सेशन टाइम है। इससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ सकता है। कैसे? रेजिस्टिविटी हमारा होता है रो इज इक्वल टू आर, हाँ रो, आप या ऐसे कह दीजिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ से रो हो जाएगा आर ए अपॉन रो एल। सही है, कोई दिक्कत नहीं? ये भाई रो नीचे चला गया, सही तो है? नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं हम लोग, यहाँ आ जाएगा रो की वैल्यू वो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब सही है, हाँ। अब देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आया था ना जब हमने ओम्स लॉ को प्रूव किया था, उसको क्या करते हैं इसमें रख देते हैं। तो आर इज द एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो आर की वैल्यू होगी, साथ ही साथ यहाँ एरिया अपॉन एल था ही, एरिया अपॉन एल था ही, तो कुछ कटा नहीं। क्या आ रहा फॉर्मूला हमारा, इसमें एरिया कैंसिल होना चाहिए था ना, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर। एक चीज़ देखिए गड़बड़ है, यहाँ एरिया भूल गए, पिछले फॉर्मूले में यहाँ था नहीं, एन तो है आएगा, ऊपर एल भी था, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा एम एल और यहाँ ए, अब सही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल। देखिए जो रेजिस्टेंस आ रहा है रो, वो आ रहा है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ। तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, देखिए मास ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज की मैग्नीट्यूड 1.6 इन टू द पावर माइनस 19, एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो एक तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ गई किस पे डिपेंड कर रहा है, कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेन कोलिजन टाइम टाउ, मीन कोलिजन टाइम टाउ। अब एक बात बताइए, जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स टहल रहे थे, घूम रहे थे, उनकी स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा? फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो जो मेले में लोग थे और उधर से गाय आई, तो जो पहले धीमे भाग रहे थे, अब क्या हुआ कि गाय जो है और तेज़ हो गई, या गाय के साथ साथ एक और बैल भी आ गया, मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो अब जो लोग भाग रहे थे ना वो और तेज़ भागने लगे। तो एक बात बताओ, जब तेज़ भागेंगे तो कोलिजन भी तो जल्दी होगा, इसका मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप था जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे थे वो कम हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये जो टाउ की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, कब,
टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाउ डिक्रीज करेगा। टाउ क्या है भाई, दो कॉलिजन के बीच में जो रिलैक्स करने के लिए उनको टाइम मिला था, अब वो तेज़ दौड़ने लगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी टकराने का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच जो आराम करने का टाइम था, रिलैक्स करने का, वो कम हो गया। तो टाउ कम होते ही क्या होगा, अगर ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, रेजिस्टिविटी होती है किसी चीज़ को रोकने वाली चीज़। जैसे स्पीड ब्रेकर लगा होता है वो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा कंडक्टिविटी, क्लियर। तो अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, यानी कंडक्टिविटी क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यही चीज़ लिखा है, देखिए, रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। अगर आपने किसी एक को पकड़ लिया तो दूसरा अपने आप पकड़ लेंगे, एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, अरे बढ़ा भाई, टेम्परेचर बढ़ते ही एनर्जाइज होकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, और रिलैक्सेशन टाइम कम होते ही रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ते ही कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब ये जो चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी तो बदलेगा टाउ के हिसाब से, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें बदल रही। ये मटेरियल हमारा, हमने क्या किया, इसको हीट किया, अब इसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बदल गया, तो नया रेजिस्टेंस होगा क्या, उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री, यानी इसका रेजिस्टेंस कुछ जीरो डिग्री पे है, हमने इसको हीट किया, मान लो लेकर पहुंचा दिए इसे 50 डिग्री पर, टी डिग्री पर, तो टी डिग्री पर उसका टेम्परेचर, वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर टी, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर। और अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, सेम फॉर्मूला ना रेजिस्टिविटी के लिए भी लगता है, क्या कर लिखेंगे ऐसे, रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा टी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, समझ में बात आ गई ना। पहले का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आर नॉट, टेम्परेचर बढ़ाने पर आर टी हो गया, बदल गया, कितना टेम्परेचर चेंज किया, डेल्टा टी, और ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में एक होता है ना कि हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ऐसे होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी लगाते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल समझिए, इसमें इक्वेशन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए भाई, लिखिएगा नहीं। देखो पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा, पहले ना यही नहीं समझ में आता है, दो तीन टेम्परेचर दे देता है और दो तीन रेजिस्टेंस दे देगा, आदमी उसी में परेशान हो जाता है, ध्यान देना। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट, यानी वो किसी थर्मामीटर का रेजिस्टेंस बता रहा है जो कि प्लेटिनम का बना हुआ है, क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस, और कब बता रहा है, किस टेम्परेचर पर, आइस पॉइंट पर।
आइस पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है भाई? 0 डिग्री। उस वक्त इसका टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस होता है, क्या हम उसे लिखते हैं आर नॉट लिखते हैं? क्लियर। आर नॉट इसलिए लिखा क्योंकि ये 0 डिग्री पे है, पहली लाइन से ही समझ में आ गया। फिर कह रहा है एंड एट स्टीम पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री, यानी इनिशियल टेम्परेचर जो था T1 वो 0 डिग्री था और जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो 100 डिग्री है। एक तो ये बात तो क्लियर हो गई। और इस 100 डिग्री वाले पर जो R100 पर जो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है वो है 5.23 ओम। ये किस पे है? T1 पर। ये किस पे है? 100 पर। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है? व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, अब उस थर्मामीटर को कहीं और लगाया गया तो उस टेम्परेचर की रीडिंग बताएगा। हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5 ओम, 5.795 ओम। यानी किसी बाथ में उसे लगाया गया तो उस वक्त उसका जो रेजिस्टेंस आया, उसका रेजिस्टेंस है RT, वह है 5.795 ओम। और टेम्परेचर हमें पता ही नहीं, बाथ का टेम्परेचर होगा वो RT है, T हमें नहीं पता। कह रहे कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ। अब एक बात बताऊं, अगर मैं इक्वेशन लिखूं अपना, मेरे पास इक्वेशन क्या थी? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये डेल्टा टी है, चलो डेल्टा टी लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख दूं, RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड हो गया हमारा ना। चलो इसमें कंडीशन पुट करूं, क्या कंडीशन पुट करूं? एक तो ये वाले कंडीशन पुट कर देते हैं, क्या है भाई, एक कंडीशन पुट कर देते हैं ये वाली, एक कंडीशन पुट कर देते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये वाली पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा R100 इज इक्वल टू R0, वैल्यू नहीं रख रहे, वैल्यू बाद में रखेंगे, ठीक है। R0 प्लस R0, अल्फा नहीं पता लेकिन डेल्टा टी तो पता है ना, 100 होगा भाई क्योंकि 100 माइनस 0 तो क्या हो गया, इनटू 100, ठीक है, क्लियर। ये हो गया इक्वेशन सेकंड और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इस वाली कंडीशन को रखोगे तो यही तो रखा जाएगा ना, इस वाले को रखोगे तो यही तो रखा जाएगा। अब एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा RT। भैया एक काम करो, अभी डिवाइड मत करो, ज़रा ना इसको और सही बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी। इस वाले को, इसको इधर लेके आ गए और इस वाले को बनाओगे तो क्या बनेगा, R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा 100, सही है। अब डिवाइड करो, जब अब डिवाइड करोगे ना तो क्या बनेगा देखना, R0 से R0 कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ जब रखेंगे तो क्या ये 100 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा टी क्या आएगा देखना, डेल्टा टी ये 100 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसको लिख लेते हैं RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, ये 100 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब समझ में आया हमने क्यों माइनस किया इधर ले जा करके, कैंसिल करने के लिए बस, ताकि राइट वाले में ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए, अल्फ़ा वगैरह काटना था, हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता थी ना तो अल्फ़ा काटना था, काट दिया। अब देखो वैल्यू ले देते हैं, RT की वैल्यू हमें पता है क्या है भाई, 5.795 माइनस R0 5 अपॉन R100 5.23 माइनस फिर से 5 इंटू 100, ऊपर आ जाएगा 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100,
देखिए कितना आ रहा है, देखिए ये 345 आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा ना। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये टी की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ये तो डेल्टा टी है ना भाई, बात बताओ, या तो डेल्टा टी था और उसने पूछा क्या टी, टी का मतलब उस बाथ का टेम्परेचर जिसमें थर्मामीटर को इंसर्ट किया गया। लेकिन डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है टी माइनस टी वन, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस। इनिशियल टेम्परेचर है कितना, वो तो ज़ीरो ही तो है, ये जो आर नॉट हम रख रहे थे वो ज़ीरो डिग्री पे तो होता है आर, जब इनिशियल टेम्परेचर ही ज़ीरो है इसका मतलब डिफरेंस कितना आएगा, वही आएगा। तो जो वैल्यू डेल्टा टी की होगी वही क्या होगा, टी की होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। तो करना क्या था, हमें आसानी से समझो करना क्या था, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसमें दोनों कंडीशन दिमाग में रख के पुट कर दो, एक 100 वाला और एक टी वाला, दोनों पुट कर दिया। टी वाला तो वही रहेगा ना, 100 वाला पुट किया फिर दोनों में किया अगर डिवाइड किया, और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी उसको काटना था, मकसद मेरा ये था, तो हमने उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र किया, अल्फ़ा को कैंसिल किया और सॉल्व कर दिया। चलो जल्दी से नोट करो फिर सेकंड न्यूमेरिकल ट्राई करो। देखिए तो भी इसमें देखिए कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री। देखो भाई एक तो बात दिमाग में फीड है ना, अगर इस कंडक्टर का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ रहा है इसका, जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ते 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 क्या होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। इसका मतलब देखो समझो, इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर आर क्या होगा, आर नॉट होगा, लेकिन एट टी इज इक्वल टू टी पर जो आर टी होगा वो होगा टू आर नॉट, डबल हो जाएगा। इक्वेशन लिखो अपना क्या था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, सही है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। देखो एक काम करना, आर टी की जगह टू आर नॉट रखना, आर टी की जगह टू आर नॉट, तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन, अल्फ़ा और डेल्टा टी, अल्फ़ा और डेल्टा टी पूरे इक्वेशन में। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है, टी है, इनिशियल टेम्परेचर ज़ीरो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा सीधे। तो पूरे इक्वेशन में कौन कौन बचे, अल्फ़ा और टी बचे, उनमें से एक की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की, अरे अल्फ़ा की गिवन है तो टी की फाइन कर लेंगे, समझ गए कि नहीं, अरे आर नॉट तो कैंसिल हो गया कॉमन लेकर के, आर टी की वैल्यू क्या होगी, टू आर नॉट, जब टू आर नॉट इधर रखेंगे, इधर आर नॉट है, इधर से कॉमन ले लीजिए कैंसिल कर दीजिए, आप जब पेन चलाएंगे ना तो रास्ते बनेंगे, यही तो खास बात है, पेन चलाइए उस स्टेप पर पहुँचिए फिर जाके सोचिए, देखिए आपको रास्ते खुने बनेंगे। और ये जो है ये नीट का क्वेश्चन है, नीट मेडिकल एंट्रेंस में आया हुआ, बहुत छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, है ना।